सर पठान वर्सेस भाईजान कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करेगी? हाँ देखिए सर, देखने वाली बात होगी बॉलीवुड की। देखिए अभी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो अब ये दो बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के, एक तरफ है किंग खान तो वहीं दूसरे टाइगर, दोनों आ रहे हैं साल के एंड में। इसी साल हमें भाईजान देखने को मिलेगी, फिर उसी के नेक्स्ट मंथ जनवरी में ग्लोबल स्टार शाहरुख खान आ रहे हैं अपनी फिल्म पठान लेकर। तो लेकिन आप देखिए फ्लॉप तो हो रही हैं फिल्में, लेकिन मुझे लगता है कि भाईजान कहीं ना कहीं शानदार कमाई करेगी, शानदार ओपनिंग लेगी। वहीं उसके बाद पठान भाईजान से बड़ी ओपनिंग लेगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पठान की हाइप देखिए काफ़ी ज़्यादा है। सलमान खान की बात करूँ तो भाईजान की भी हाइप है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है पठान के कंपैरिजन में, नहीं है। टाइगर थ्री फिल्म की उनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो पठान और टाइगर थ्री काफ़ी बड़ी ओपनिंग लेंगी। वहीं भाईजान की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग लेगी, लेकिन पठान की ओपनिंग फिल्म भाईजान से ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो आपको लगता है भाईजान से ज़्यादा कमाई पठान करेगी? हाँ जी सर, क्योंकि देखिए उसका पोस्टर भी मतलब अलग ही लेवल का क्रेज़ चल रहा है सर पठान का, और आप देखिए हर दूसरे दिन पठान ट्रेंड हो रहा है। मतलब जिस तरीके से वो टाइगर थ्री का क्रेज़ चल रहा है, वैसे ही पठान का चल रहा है, और पठान एक शानदार फिल्म होगी। देखिए जॉन अब्राहम है, उनका भी फर्स्ट लुक आया, वो कितना मतलब अलग ही उनका, आप देखिए क्या आउटफिट वगैरह पहना हुआ है, वो अलग ही हैवी लग रहा है। मतलब मज़ा आएगा, दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, शाहरुख खान का, जॉन अब्राहम का, तो ये तो डबल धमाका वैसे ही होना है। शाहरुख खान के फैंस भी देखेंगे, सलमान खान के फैंस भी देखेंगे, तो फिल्म तो देखिए रिकॉर्ड तोड़ेगी पहले दिन। और वैसे ही बॉलीवुड में भी जो सूखा चल रहा है हिट फिल्मों का, वो पठान के जरिए ही पूरा होगा मुझे ऐसा लगता है, और शानदार कमाई फिल्म पठान करेगी पहले दिन भी और लाइफ टाइम कलेक्शन में भी। सर क्या लगता है भाईजान और पठान दोनों का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है? हाँ देखिए सर, जबरदस्त रहेगा भाईजान, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 150 से 200 करोड़ की कमाई करेगी, क्योंकि पेंडेमिक के बाद देखिए फिल्में चलना काफ़ी मुश्किल हो गई हैं। वैसे तो सलमान खान की देखिए फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म भी 180 करोड़ 200 करोड़ तो ऐसी कमा लेती है, लेकिन पेंडेमिक के बाद जो माहौल है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाईजान 150 से 200 करोड़ तक जाएगी। और वहीं पठान की बात करें तो पठान का तो देखिए सर मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो फिल्म कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, 400 तक भी आ सकती है, 500 तक भी आ सकती है, क्योंकि शाहरुख खान की देखिए आप चेन्नई एक्सप्रेस मेरे ख्याल से शायद हाईएस्ट ग्रॉसर है उनकी फिल्म, उसके बाद देखिए हैप्पी न्यू ईयर, ओपनिंग्स फिल्म को काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन इतने ज़्यादा जा नहीं पा तो ये